वैरिएंट ओमिक्रॉन के कारण लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं आगरा में भी लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से बेखबर नजर आ रहे हैं। अगर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एसएन के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए एसएन मेडिकल कॉलेज में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए आगरा में ओमिक्रॉन सिंपली एक वायरस का वेरिएंट है SARS-CoV-19 का, ठीक है। तो किसी वायरस के वेरिएंट के अनुसार अलग से तैयारी नहीं की जाती है, जो तैयारी रहती है वो तैयारी एक पर्टिकुलर वायरल डिसीज जिसको हम कोविड बोल रहे हैं, हमारे लिए जो तैयारी है वो कोविड के संबंध में। पीडियाट्रिक वार्ड 100 बेड का तैयार है, जिसमें हमारे पास 20 बेड की ICU, 30 बेड का SDU, 50 बेड का वार्ड। एडल्ट में हमारे पास 150 बेड का MCS हॉस्पिटल तैयार है। पोस्ट कोविड में मेडिसिन में 107 बेड का वार्ड्स और ICU तैयार है। इमरजेंसी में 82 बेड्स की व्यवस्था तैयार है। मोटे तौर पर 400 से ऊपर की संख्या बेड्स की बैठती है, जो मेडिकल कॉलेज आगरा में वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार कार्यरत हो जाएंगे, जिसके तहत कोरोना पेशेंट्स के लिए 400 बेड्स का एक वार्ड तैयार किया गया है। इस बारे में डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से लगातार लोगों में दहशत बनी हुई है, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना से कई गुना खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसके कोई लक्षण ऐसे नहीं मिले हैं जिससे इसे खतरनाक घोषित किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से WHO ने नए वेरिएंट के बारे में लोगों को सूचनाएं दी हैं और उनको सजग रहने के लिए बोला गया है, वह कहीं ना कहीं कोरोना की दहशत को लोगों को अभी भी एक नया जो माहौल है वो दहशत के लिए वो ले जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोग अपनी स्थिति और आदतों में सुधार लाने को तैयार नहीं है। SN में पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, अगर किसी भी तरीके से स्थिति में ओमिक्रॉन बढ़ता है या कोरोना के नए मरीज मिलते हैं तो लगभग 400 बेडों का जो हॉस्पिटल है उसको तैयार कर दिया गया है। एक बेड वार्ड बनाया गया है जिसमें लगातार मरीज जो भी कोरोना के मिलेंगे उनको एडमिट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है, बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसके साथ तमाम तरीके के जो सामूहिक कार्यक्रम है वो रेगुलर चलते आ रहे हैं, जिसके लिए एक बड़ी स्थिति ये बनी हुई है कि जिससे ओमिक्रॉन या कोरोना को बढ़ने की स्थिति लगातार पैमाने पर है। अपने साथी अर्जुन सिंह के साथ यशपाल सिंह, पब्लिक न्यूज़ आगरा।